आदाब, मैं हूं फहीम आजाद। नमस्कार, मैं हूं परिष्कृत सक्सेना। और इंडिया हब के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडिया हब की ओर से आपके लिए भारत सरकार की एक और विकास योजना की जानकारी लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य गरीब लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना ने बैंकिंग व्यवसाय में भारी सफलता प्राप्त करी है। लेकिन अगर हम उपलब्धियों की बात करें, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने एक हफ्ते के समय में अधिकतम खाते खोलने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 10 फरवरी 2016 तक इस योजना के तहत 200 लाख बैंक खाते खोले गए और इसमें 323.78 बिलियन राशि जमा भी की गई। अगर फायदे की बात करें तो इसके 6 फायदे हैं, जैसे शून्य शेष खाता। इस योजना के तहत आप शून्य राशि से भी खाता खुलवा सकते हैं। दूसरा फायदा, डेबिट कार्ड सेवा। जीरो बैलेंस होने पर भी आपको रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। और इसके अलावा आकस्मिक मृत्यु बीमा। खाते खोलने वाले की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति को 1 लाख की बीमा राशि मिलेगी। जीवन बीमा सुरक्षा। 26 जनवरी 2015 तक खोले गए खाता धारकों को 30,000 अतिरिक्त जीवन बीमा राशि भी मिलेगी। ओवरड्राफ्ट सुविधा की अगर हम बात करें तो खाता धारक को खाता खोलने के 6 महीने के बाद 5,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलेगी। ऑनलाइन बैंकिंग। प्रधानमंत्री जनधन योजना में सभी खाता धारकों को ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन अगर योग्यताओं की बात करें तो कोई भी भारतीय नागरिकता रखने वाला व्यक्ति जनधन योजना में खाता खोलने का अधिकार रखता है और 10 साल की उम्र तक कोई भी इसका संचालन करने योग्य है। लेकिन छोटे बच्चों का खाता उनके अभिभावक की देखरेख में ही रहेगा। इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी नागरिकता का कोई भी प्रमाण नहीं है लेकिन बैंक अपनी छानबीन में उसका प्रमाण खोज लेता है तो वह भी इस योजना के लिए उपयुक्त है। अगर किसी व्यक्ति का पहले से ही राष्ट्रीय बैंक में खाता है तो वो अपने इस खाते को जन धन में परिवर्तित करा सकता है और इसके फायदे भी उठा सकता है। और अब इस योजना के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सरकार द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र और नागरिकता प्रमाण पत्र। जनधन योजना के लाभ के लिए कहां और किसको संपर्क कर सकते हैं? अधिकतर राष्ट्रीय बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, महाराष्ट्र बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक आदि में जाकर इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस योजना के लिए आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में ऑनलाइन फॉर्म पर विवरण के साथ नामांकन कर सकते हैं। हिंदी में फॉर्म के लिए निम्न लिंक पर जाएं और अंग्रेजी में फॉर्म के लिए निम्न लिंक पर जाएं। इस योजना की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो कि है www.indiahub.com, यानी www.indiahub.com। दोस्तों, इंडिया हब के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद।